हेलो एंड वेलकम ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स ऑन द स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। मैं हूं अभिषेक और हम कर रहे हैं CAPF के साइंस की PYQ सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2012 के क्वेश्चंस की। बिना किसी देरी के चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ माइक्रोवेव अवन यूजेज वेव विद अ, ठीक है। अब माइक्रोवेव अवन की बात हो रही है तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या वो इनविजिबल रेंज का है या विजिबल रेंज का है, पहली बात तो वो, ठीक है। फिर वो लार्जर वेव लेंथ का है या स्मॉलर वेव लेंथ का है, ठीक। आपको मैंने बताया है पिछले वीडियोस में, वेव जो हैं हमारे जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव्स हैं कुछ ऐसे हैं, उनको याद करने का तरीका है दैट रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। इन सभी के आप फर्स्ट लेटर्स को याद रखेंगे तो आपको वेव्स के सारे नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। अब ये है हमारा रेडियो, देन हो जाता है माइक्रो, इन्फ्रा, विजिबल, दिस इज अल्ट्रावायलेट, दिस इज एक्सरे एंड दिस इज गामा रे, ओके। अब यहाँ पे देख लो तो जो भी विजिबल रेंज वाला है वो तो पहले ही हट गया क्योंकि ये दोनों ऑप्शंस आंसर हो ही नहीं सकते। विजिबल रेंज तो सिर्फ ये है, ठीक है, जिसमें कि आपके 7 कलर्स आते हैं वेव की ओर के, ठीक है। अब अगर बाकी की बात करें, ठीक है, अब आते हैं कि इनविजिबल रेंज तो चलो फाइनल है, अब देखते हैं कि लार्ज वेवलेंथ है या स्मॉल वेवलेंथ है। तो इस पे भी हमने बात की हुई है कि जो गामा रे होता है इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है और वेवलेंथ जो है सबसे कम होता है। मतलब इधर से इधर जाएंगे हम तो जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये क्या होगी, बढ़ेगी, और जब इधर से इधर आएंगे तो जो है हमारा वेवलेंथ बढ़ेगा, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक। तो अब आप देख सकते हैं कि माइक्रोवेव इज़ लार्जर वेवलेंथ एंड इट इज़ ऑफ इनविजिबल रेंज, सो ऑप्शन ए इज़ आर आंसर, ऑलराइट। चलिए क्वेश्चन 17, इट इज़, इट सेज अ थिन पिन ऑफ आयरन कैन बी मेड टू फ्लोट ऑन वाटर इन अ बाउल, दिस फेनोमेना इज़ ड्यू टू, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये काफ़ी क्लियर है कि आयरन पिन जो है इस पर फ्लोट करता रहता है। अब ये फ्लोट क्यों करता है, इट इज़ ड्यू टू द सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या होता है कि मिनिमम एरिया में कोई भी चीज़ अपने आप को रखना चाहती है, अपने आप को मिनिमम एरिया में रखना चाहती है। तो यहाँ पे पानी के फोर्सेज क्या हैं, पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं और आप मिनिमम एरिया में क्या होनी चाहती हैं, कन्वर्ज होना चाहती हैं, ठीक है। तो बीच में से वो आयरन पिन को नहीं जाने देगी नीचे, ठीक है, दैट इज़ वाई ऑप्शन ए विल बी आर आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, टू स्टार्ट योर लोडेड ट्रॉली बैग यू एग्जर्ट मोर फोर्स दैन व्हेन इट इज़ मूविंग, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ, ओके। अब देखिए कोई भी हमारा बैग है, मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा बैग है। अब इसको मुझे लेके जाना है इधर की तरफ, ठीक। अभी ये कहाँ पे है, तो रेस्ट पे है। अब रेस्ट पे है, इसको लेके जाना है मुझे किस में, मोशन में, ठीक। अब आपको रेस्ट और मोशन से कौन सा लॉ याद आ रहा है, ये लॉ कौन सा था, ये लॉ था हमारा कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अनटिल एंड अनलेस इट इज़ कंपेल्ड टू चेंज। मतलब कोई एक्स्ट्रा फोर्स जब तक ना लगे तब तक वो रेस्ट से मोशन में नहीं जाएगी, मोशन से रेस्ट में नहीं आएगी। तो अभी क्या है, रेस्ट पे है, तो अभी हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा टू मेक इट इनटू अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो बोलता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओके। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है दैट 100% कन्वर्जन ऑफ हीट या एनर्जी इज इम्पॉसिबल, थोड़ा बहुत लॉस तो होगा ही, ठीक है, और जो ट्रांसफ़र होगा, जो एनर्जी एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र होगी वो हमेशा हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ होगी, ठीक है। चलिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको पता होगा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है जो कि क्या करता है, इट डिफाइंस द फोर्स, ये बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है।
और यहाँ से हमें फोर्स की डेफिनेशन मिलती है एफ इजिकल टू एम ए। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है सीडीएस एनडीए में भी कि विच लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स। ठीक है, तो यू हैव योर आंसर न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज यू प्लेस्ड अ कार इन एन ओपन पार्किंग एरिया इन अ समर डे आफ्टर अ फ्यू आवर्स यू नोटिस दैट हीट इज ट्रैप्ड इन साइड द कार दिस फेनोमेनन इज नोन एज। ओके, अब ये जो फेनोमेना होता है ना हमारा, ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस इसमें क्या होता है, अंदर बहुत ज़्यादा मतलब हीट हो जाती है अगर ओपन में पार्किंग है तो। ठीक है, ये कई बार आपने देखा होगा ये चीज़ें, डॉग्स की डेथ हो गई है क्योंकि कार में बंद थे। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्या होती है, हार्मफुल होती है, इट इज़ लाइफ इज़ इन डेंजर इन दैट केस। ओके, दिस इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट द आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स आफ्टर सम टाइम रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल। ओके, अब यहाँ पे देखिए होता क्या है कि हमने इसमें ये आयरन नेल डाल दिया। ठीक है, आयरन नेल इज Fe जैसा कि यहाँ पे है भी, और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का कलर होता है ब्लू। ठीक, पर थोड़ी देर के बाद इसमें क्या हो जाएगा, ये जो सोल्यूशन है वो ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया किसने, आयरन ने। ठीक है, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होगी तो आपको पता होगा कि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, यहाँ पे इतना ही ज़रूरत है, यहाँ पे कॉपर है और यहाँ पे हमारा आयरन है, तो आयरन क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को। तो इसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स कॉपर प्लस आयरन सल्फेट। तो सॉल्यूशन हमारा आयरन सल्फेट का बन जाता है, और या फेरस सल्फेट बोलो, और यहाँ पे कॉपर की लेयर जम जाती है इसके ऊपर। ठीक है, तो और ये कौन सा रिएक्शन है, तो इट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर इज एडेड इन वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज द रोल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन दिस केसेस। वेरी इजी क्वेश्चन, आप आराम से इसको टिक कर सकते हो कि अगर पानी को साफ करने के लिए यूज़ किया जा रहा है तो उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब यही है कि ये डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ होगा। ठीक है, सीधी सी बात है, इसमें कोई भी आई डोंट थिंक कि इसमें कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए, इफ फोर बलून्स ए बी सी एंड डी आर फिल्ड विद हाइड्रोजन ऑक्सीजन हीलियम एंड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हीलियम एंड नाइट्रोजन। ठीक है, चार बलून्स हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, इसमें हीलियम है, सॉरी इसमें है ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें हमारा हीलियम है, और इसमें हमारा नाइट्रोजन है। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि कौन सा बलून सबसे हाई जाएगा। ठीक है, विच बलून रीचेस टू द हाईएस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, अब हमको पता है सबसे लाइटेस्ट गैस होगा क्या, हाइड्रोजन, क्योंकि इसका मास देखो कितना होगा, 2 ग्राम यहाँ पे। ठीक है, अगर हीलियम को भी देखेंगे तो हीलियम का हो जाता है 4 ग्राम। ठीक है, तो सबसे लाइटेस्ट है, सबसे ऊपर कौन जाएगा, हाइड्रोजन ही जाएगा बलून ए। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ओके, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें हमने पहले ही बात करी है प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज, तो इसमें ये तीनों ही आपको मिल जाएंगे ग्रीन हाउस गैसेज में, मीथेन, ओजोन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ये हमारे आंसर नहीं है, हमारा आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इनफैक्ट सल्फर डाइऑक्साइड इज वन ऑफ दोज गैसेज, सल्फर डाइऑक्साइड एंड NO2 ये मिलकर के क्या करते हैं, एसिड ड्रेन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट्स कॉजेज हार्डनेस टू द वाटर। ठीक है, अब हार्ड वाटर हम कई बार पढ़ चुके हैं, मतलब मुझे लग रहा है हर बार एक ना एक क्वेश्चन तो हार्ड वाटर पर आ जाता है। ठीक है, अगर एक बार नहीं तो एवरी ऑल्टरनेट ईयर। हार्ड वाटर होता है D2O। ठीक है, इसमें 1H2 जो ड्यूटेरियम होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप उसका वो होता है इसमें, हाइड्रोजन की जगह प्रोटियम की जगह। ठीक है, अब हार्ड वाटर कैसे होता है, ठीक है, तो हार्ड वाटर होगा कैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होंगे किस फॉर्म में, तो या तो ये होंगे बाइकार्बोनेट, या तो ये होंगे क्लोराइड, या तो ये होंगे सल्फेट। ठीक है,
इन फॉर्म्स में अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट हैं तो ये वाटर को हार्ड कर देते हैं, ठीक है, हार्ड वाटर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। बाइकार्बोनेट को ही हम बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इससे कन्फ्यूज मत होइएगा। हार्ड वाटर क्या कर देगा, तो लैथर नहीं फॉर्म करने देता है सोप का, मतलब सोप से झाग नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा एक और यूज़ क्या है हार्ड वाटर का, तो इट इज़ यूज एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है, ये यूज है हार्ड वाटर का, ठीक है। चलिए आई गेस दैट्स अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू मरीन एनिमल सर्वाइव इन वाटर विदाउट एयर कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो मरीन एनिमल्स, अब जाहिर सी बात है उनके पास नाक नहीं होती है सांस लेने के लिए हमारी तरफ, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन तो उनको चाहिए। तो सबसे पहले देखो, डू नॉट रिक्वायर एनी ऑक्सीजन वाला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का उनके पास कुछ होता नहीं है, ठीक है। अब वाटर प्लांट्स, ठीक है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि जो, अब देखो अगर इसको हम अगर कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इसको क्या है? अगर ये मान लो कोई वाटर बॉडी है, अब इसमें अलग अलग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि सरफेस पे रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डीप रहते हैं, फिशेस या एक्वेटिक एनिमल्स ही। तो ये वाले यहाँ थोड़े ना जाएंगे ऑक्सीजन लेने के लिए, ये भी नहीं है आंसर, सीधी सी बात है, दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विद द हेल्प ऑफ व्हाट, गिल्स, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग कॉजेज स्टमक पेन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये थोड़ा अनक्लियर सा क्वेश्चन है, बिकॉज देखिए मैं बताता हूँ कैसे अनक्लियर है। अगर आप HCl को भी, HCl या फिर NaOH, ठीक है, अगर आप इसको कर लेते हैं स्वॉलो, ठीक है, पी लेते हैं, तो दर्द तो ये करेगा ही करेगा, ठीक है। ज़्यादा सॉल्ट भी हो जाएगा तो वो भी दिक्कत कर सकता है, ज़्यादा नहीं करेगा बट कर सकता है, चमक पेन कॉज नहीं करेगा। बैक्टीरियाज ऑब्वियसली यूज़फुल भी होते हैं, नॉन यूज़फुल भी होते हैं, तो ये भी दिक्कत कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम अप्रोप्रिएट अगर देखें, मोस्ट अप्रोप्रिएट देखें, तो इसमें आप एसिड को टिक कर सकते हो, बिकॉज जैसे अगर आप नॉर्मली मील्स स्किप कर रहे हो तो उससे क्या होता है, एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है पेट में। अब अगर स्टमक में ऐसा कुछ हमारा स्टमक होता है अगर, ठीक है, तो स्टमक में क्या है, एक लेयर होती है, एक लेयर होती है म्यूकस की, ठीक है। जब आप मील्स स्किप करते हो तो ये म्यूकस की लेयर क्या होती है, ख़राब होने लग जाती है, डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। उसके बाद वो एसिड जो है अटैक करेगा किसके, आपके स्टमक की वॉल को, और फिर करता है वो पेप्टिक अल्सर, ठीक है, और इसी से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप एसिड को टिक करेंगे, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा अनक्लियर क्वेश्चन है, सो प्लीज़ बी कॉशियस ऑफ दैट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूज़ ऑफ टामारिंड जूस इज एज अ पार्ट ऑफ आर मील हेल्प्स, ठीक है। सो इट हेल्प्स फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, सीधी सी बात है, ठीक है। जो टामारिंड जूस है ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है फॉर द गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स और डाइजेशन प्रॉब्लम्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर गैस्ट्रिक और डाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इट्स इज अ बिसिनोसिस डिजीज इज कॉमन इन द वर्कर्स ऑफ, ठीक है। बिसिनोसिस डिजीज होता क्या है, ये होता है लंग डिजीज, ठीक है, लंग डिजीज होता है, और ये होता है ड्यू टू कॉन्टिन्यूस इन्हेलेशन ऑफ कॉटन, ठीक है, कॉटन फैब्रिक, उसके छोटे 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 पार्टिकल्स अगर आप इन्हेल करते रहेंगे, कॉन्टिन्यूस इफेक्ट उसका क्या होता है। तो कॉटन क्या है, एक टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से ये बिसिनोसिस डिजीज हो जाता है वहाँ के वर्कर्स को, ठीक है, और ये लंग्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर रबड़ इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे जैसे ल्यूकेमिया हो जाता है, एक और डिजीज़ है लिम्फोमा, ये भी हो जाता है। सेरेमिक इंडस्ट्री में ब्रोंकाइटिस हो सकता है, काफ़ी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, देन अलग वेंटिलेटरी इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, यहाँ से भी अस्थमा होता है लोगों को, एंड ब्रोंकाइटिस कैन ऑल्सो हैपन, ठीक है। बट बिसिनोसिस इज पर्टिकुलरली इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ओके। चलिए सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन, आई होप यू हैव फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव, डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन इन केस ऑफ एनी सजेशंस, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप फॉर एनी फर्दर डाउट्स, यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल्स फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स, यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच, कीप शोइंग अस योर लव, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट योर स्कोर्स,
आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू.